नमस्कार, मेरा नाम है निखिल, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। नीतीश कुमार लगातार जातिगत जनगणना के मामले पर केंद्र सरकार से जातिगत जनगणना कराने की मांग कर रहे थे, वहीं उनकी सहयोगी दल बीजेपी लगातार इसकी विरोध कर रही थी। मगर पीएम को सीएम के द्वारा पत्र लिखने पर जातिगत जनगणना के मामले पर बिहार प्रतिनिधि मंडल को समय देने के बाद बीजेपी ने पूरी तौर पर पलटी मार ली है। आपको बता दें कि खगड़िया में पत्रकारों को संबोधित करते हुए बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने जातिगत जनगणना को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी को जातिगत जनगणना से कोई ऐतराज नहीं। साथ ही साथ उन्होंने जिस तरीके से राजद में हो रहे विवाद को लेकर उन्होंने कहा है, जगदानंद पर चुटकी ली है कि जगदानंद अभी अपने अब तक के राजनीतिक त्रासदी को झेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो जगदानंद के साथ हो रहा है वो बिल्कुल सही नहीं। क्या कुछ कहा है उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने, सुनिए। 23 अगस्त को जो प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री से बिहार विधानमंडल की ओर से जा रहा है, उसमें सभी दलों के प्रतिनिधि शामिल और यह विषय भारत सरकार से और राष्ट्रीय जनगणना से जुड़ा हुआ विषय है। बिहार ने अपनी बात करी है, लेकिन पूरे राष्ट्रीय संदर्भ में और क्या निर्णय लिया जाएगा या इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन जो भारतीय जो बिहार विधानमंडल का जो प्रतिनिधि मंडल है उसमें सभी दल के विधानमंडल दल के सदस्य हैं। क्या आपत्ति है बीजेपी को जाती है? अगर ये आपत्ति होता तो प्रधानमंत्री बुलाते ही नहीं, और इस पूरे प्रतिनिधिमंडल में भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रतिनिधि शामिल नहीं होते, इसमें आपत्ति कहाँ? देखिए, ये तो केंद्र सरकार का विषय है। पूरे भारतवर्ष में बिहार ने इसे प्रस्ताव पारित करके भेजा था, उस आलोक में प्रधानमंत्री जी इस पूरे प्रतिनिधिमंडल की बातों को सुनेंगे और उसमें सभी दल के लोग शामिल होंगे। देश तो सरकार को निर्णय करना है क्या परिस्थितियां रहेगी, आने वाले दिनों में क्या बेहतर कदम उठाने होंगे, ये सरकार भारत इस पर नजर रख रहा है। और अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी देश है, इसलिए वहाँ की घटनाओं पर हमारी सरकार की नज़र है, और वहाँ हमारे जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं, सिंधी हैं, सिख हैं, ऐसे सारे लोगों को भारत में आने के लिए हमारी ही सरकार ने कानून भी बनाया और उस कानून के तहत तो उन्हें शरण भी देने का। क्या कोई आंकड़ा है बिहार के कितने लोग अफगानिस्तान में? ठीक है, धीरे धीरे वो आंकड़ा आएगा, उसमें तो पूरे राष्ट्रीय स्तर की। देखिए, जगदानंद बाबू तो हम लोग के अभिभावक स्वरूप में है, और दुर्भाग्य है कि जगदानंद बाबू को इस उम्र में इस तरह के त्रासदी को राजनीति में झेलना पड़ रहा है। यह दुखद है, उनका हम सब सम्मान करते हैं, लेकिन उसके दल के अंदर की बात है, बहुत टिप्पणी भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन जगदानंद जी के साथ जो भी हो रहा है वो अच्छा। तो आपने सुना कि किस प्रकार बीजेपी ने जातिगत जनगणना को लेकर अब पलटी मार ली है। बिहार प्रतिनिधि मंडल का एक दल आने वाले 23 तारीख को प्रधानमंत्री से मिलेगा जातिगत जनगणना को लेकर, उन्हें समय दे दिया गया है। और भी अपडेट्स देंगे, बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। धन्यवाद।